ओ चचा मेरे अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। ओ रिश्ता तय होना और बात है, ब्याह होना और बात है। ओ मेरा भी 5 बारी रिश्ता तय हुआ था, ब्याह नहीं होया। ओ चचा रहन दे, तूने 20 साल पहले मेरे अब्बा के बारे में भी ये कहा था हाथ देख कर के तेरी शादी की लकीर नहीं है। ओ यबलू, ओ तुम्हारे बाप का तो एक हाथ ही नहीं है, वो तो बचपन में कट गया था, लकीर कहाँ से आएगी। ओ चचा तूने ये वाला नहीं ये वाला हाथ देखा था। ओ पागल, ब्याह की लकीर जो है ना खब्बे हाथ में नहीं होती, सजे हाथ में होती है। ओ खब्बे हाथ में तो बचपन होता है। ओ मेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय हुआ है। ओ बा 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 बा, खैर तू छोड़, अगर तू चाहता ना कि तेरा ब्याह हो जावे तो मैं तेरे हाथ में ब्याह की लकीर बना दूंगा, सिर्फ 200 रुपए खर्च होंगे तेरे। कैसे बनाओगे? ब्लेड से काट के। वो पागल, मैं चिल्ला खेचूंगा, अमल करूंगा। चल तू जा, अब दूसरा मरीज आ गया, चल जा। ठीक है चाचा, मैं कल 200 रुपए ले आऊंगा। लकीर बना देना। आओ आओ जाओ, दूसरा मरीज आ गया, जाओ जल्दी फटाफट जाओ, उसको लेके आना। आओ शाजिया पुत्र आओ, वो लगता आज फिर तुम अपने अब्बा के गले से 50 नोट उड़ा के आई है। रामू काका, ना ना ये मेरा हीरो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? अब तक तो मैं अब्बा को 400 रुपए का नुकसान पहुँचा चुकी हूँ। हाय, और 400 रुपए में तो गुड्डा नहीं आता, और तुमको तो जीता जागता 6 फुटा खूबसूरत शहरी हीरो चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, या तो आज तू मेरी मेरे हीरो से मुलाकात करवा, नहीं तो फिर मेरे 400 रुपए वापस करो। मैं खुद ही शहर जाके अपना हीरो ढूंढ लूंगी। तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है, वो तेरे चिल्ला पूरा हो गया, मैंने अमल मुकम्मल कर लिया है, समझ में आई ना? तू एक काम कर, तू सीधी यहाँ से आंखें बांध करके जा, दूर तक जाएगी वहां सबसे पुराना दरख्त मिलेगा तुझे, उसके सामने जाके खड़े हो जा, जैसे ही तू आंख खोलेगी तो तेरा ख्वाबों का शहजादा तेरे सामने खलोता होगा। सच? हाँ, एक 50 दा नोट दो, अब सवेर से मेरी कुकड़ी ने कख भी नहीं खाया। ये ले, लेकिन अगर आज मुझे मेरा हीरो नहीं ना मिला तो काके फिर तेरी खैर नहीं है, मैं तेरी सारी मुर्गियां भगा दूंगी, भगाऊंगी नहीं बल्कि पका के खा जाऊंगी। चचब छेती कर, आंखें बंद करके सीधी निकल जा, शाबाश। चल भाई बाशाणी, इस लड़की का पीछा करती है, ये लड़की दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है, अल्लाह करे आज उसके ख्वाबों का शहजादा उसको मिल ही जाए। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना।
तूने बता दी छुट्टी है, ये सुबह सुबह हुआ कौन आ गया? आज पता चला कि मेहमान तो रहमत होते हैं। माँ जी फरमाइए। ये बाबूजी गांव है ना, यहाँ पे सब ऐसे ही सलवारे पहनते रंग बिरंगी। वो मुझे नंबरदार से मिलना। हाय वाह, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आपने नंबरदार से मिलना है। आप अंदर आए ना, वरना बाहर खड़े खड़े तो मेरा चेहरा चल जाएगा। आप अंदर आइए ना। उफ अल्लाह, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? वो आपके आपके दांत बड़े अच्छे हैं, कितनी बोटी खा लो तो गोश्त नहीं फंसता। आप अंदर तो आए ना। आपने इतना तारुफ नहीं करवाया। दो नंबर दार तो होते नहीं गांव में, एक ही होता है, वो मैं हूँ। ओ आप? हाँ मैं। आपके जहन में तो कोई पुट्ठा खूसट पुलवान टाइप आदमी होगा ना, इसीलिए आप मुझे देख के हैरान हो रहे हैं। बस क्या बताऊँ, छोटी सी उम्र से ये जिम्मेदारी संभाल ली थी। वैसे आप कौन हैं? मुझे मेरे डैड चौधरी महमूद ने। ओह माँ, चौधरी महमूद के बेटे हैं आप? आप मुझसे जमीन खरीदने आए हैं ना? जी हाँ। पहले तो मैं आपको ड्राइंग रूम की तरफ लेके जा रहा था, अब बेडरूम लेके जाऊंगा। जी आज इतवार है ना, ऑफिस बंद है, आज आप मेरे मेहमान हैं। बस सुबह आपको जमीन के कागजात वापस करके तो चेक ले लूंगा। यहाँ कोई होटल नहीं है? हाय हाय, जब घर में जगह है तो फिर होटल की क्या जरूरत है। ये है आपका कमरा। इस कमरे की सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे कमरे के बिल्कुल साथ है। जी हाय, फरमाबरदार है आप, हर बात की ची ची करते हैं। यहाँ पे एसी नहीं है? नहीं, एसी की फैमिली है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर की नहीं, एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बता रहा हूँ। ये है ना उसी की फैमिली, मगर ये बिजली से नहीं चलता। तो फिर ये जूते से चलते हैं। मैं बहुत थका हूँ। ठीक है, तो खाने की बात मिलती है। जी जी सुनना था, मेरा मतलब है खाने पर मिलती हूँ। शाजिया, तुझे यकीन है तूने ख्वाब नहीं देखा? ख्वाब तो ख्वाब वो तो नहीं होते ना जो हमें सोते हुए दिखाई देते। ख्वाब तो वो होते ना जो हमें सोने नहीं देते। ओ बकवास ना कर, अपने फिल्मी जुमले ना मुझसे बोल। मुझे बता, तूने उसे वाकई देखा था? हाँ, वो रहीम चाचा के शेरू के पीछे से चांद की तरह निकलता।